Good morning, students. Students, we have started our seventh chapter of geography, lifelines of national economy, and we have already discussed about two parts of it. Now today is the third part. Now students, first of all, we will discuss about the topics which we will cover in this meeting. In the beginning of the chapter, and you can say in the first part, we have given the introduction of the chapter. Then we will discuss about different modes of transport. After that, we have discussed about roadways, railways, and pipelines. You can say they are the land routes. After that, we have discussed about the waterways and some seaports. And then we have discussed about the airways. Now in this chapter, you can say in this video, we will discuss about communication, international trade, tourism as a trade and some important maps. आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम इन चार टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. Students, now first of all we'll discuss about the communication. अगर मैं कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, it means we will convey the message of each other. You can say. Means पुराने समय से ही हम डिफरेंट मोड का यूज करते हैं ताकि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर बात कर सकें. जिस वक्त हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने बताया था कि पूरा वर्ल्ड जो है इट हैज बिकम अ स्मॉल विलेज. पूरा वर्ल्ड जो है एक छोटी सी विलेज है, यू कैन से अ लार्ज विलेज के रूप में रह चुका है, जहां पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी जगह के बारे में अ लिटिल बिट मींस यू कैन से विद इन 2, 3 or 5 मिनट्स के दौरान में ही हम किसी भी एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन अचीव कर सकते हैं. And this was done, you can say this is done due to efficient network of the transport and communication. केवल इन दो चीजों की वजह से हुआ है. So if you think about the communication, so there are personal and mass communication system. हमारे यहाँ पर personal communication system भी है और mass communication system भी है. इसके अंदर आपके radio, television, press, film, etc. These are the major source, या you can say means of the communication in our country. Means communication आपकी personal भी हो सकती है and we can say mass communication also. Means कई बार क्या होता है कि हमें message केवल एक व्यक्ति को कन्वे करना होता है और कई बार ऐसा होता है कि एक मैसेज हमें लार्ज पीपल या यू कैन से काफी अधिक व्यक्तियों को कन्वे करना पड़ता है. तो हमारे पास जो कम्युनिकेशन के सोर्स है वो दोनों प्रकार के हैं. पर्सनल कम्युनिकेशन फैसिलिटी भी है और मास कम्युनिकेशन फैसिलिटीज भी है. आई थिंक सो आपको पर्सनल एंड मास कम्युनिकेशन का मतलब पता चल गया होगा कि व्हाट आर दीज टू थिंग्स. नाउ लेट्स थिंक अबाउट द इंडियन पोस्टल नेटवर्क. यू कैन से जो पोस्ट ऑफिस होते हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं. सो द इंडियन पोस्टल नेटवर्क इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जो पोस्टल नेटवर्क है वो इंडिया का है. एंड इट हैंडल्स पार्सल एज वेल एज सम पर्सनल रिटन कम्युनिकेशन. जो इंडियन पोस्टल सिस्टम है उसके माध्यम से हम पार्सल को या अदर जो रिटन कम्युनिकेशन है उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं. आपका पोस्ट ऑफिस है, हम उसका यूज कर पहले कैसे करते थे? पहले यूज करते थे कि हम अपना लेटर्स जो थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर या कह सकते अपने रिलेटिव्स को भेजते थे, जिसके माध्यम से हम एक दूसरे के बारे में पता करते थे. एंड अगर हम आज की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास आज अदर फैसिलिटीज हो चुकी है, तो यही कारण है कि अब इसके माध्यम से पार्सल्स या आप कह सकते हो कोई अदर जो मटेरियल है उनको मंगाने के लिए हम इसका यूज करते हैं. कार्ड्स एंड एनवेलप्स. These two things are considered the first class mails. This is friends, class 1 marks question ho sakta hai, what are considered the first class mail? That is cards and envelopes. And are airlifted between station covering both land and air, जो कि land route के माध्यम से भी और air route के माध्यम से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजे जाते हैं. तो आपका यहाँ पर 1 marks question होता है कि first mail class mail कौन से होते हैं? That is cards and envelopes. And if you think about the second class mail, वो आपके इंक्लूड्स है पैकेट्स, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स. एंड दे आर कैरिड बाय द सरफेस मेल्स आल्सो कवरिंग लैंड एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. सेकंड क्लास जो मेल्स होते हैं वो आपके पैकेट हो गए या कोई भी न्यूज़पेपर हो गया या पीरियोडिकल्स है या इन सब चीजों को जो आप भेजते हो, ये आपके सेकेंड क्लास मेल बनते हैं. राइट स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, for the facility of the quick delivery of mails in large town and cities, जो government है उसने क्या किया, कुछ mail channels का निर्माण किया है, कुछ different channels का निर्माण किया है. These are 6 channels. Towns और cities के अंदर
क्विक मैनर से मेल्स को डिलीवर किया जा सके उस फैसिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए कुछ जो चैनल्स हैं उनको इंट्रोड्यूस किया गया है. दे आर सिक्स इन नंबर. द फर्स्ट वन इज राजधानी चैनल, द सेकंड वन इज मेट्रो चैनल, द नेक्स्ट वन इज द ग्रीन चैनल, नेक्स्ट इज बिजनेस चैनल, नेक्स्ट इज बल्क मेल चैनल एंड द लास्ट वन इज द पीरियोडिकल चैनल. तो दीज आर द सिक्स मेल चैनल्स फॉर giving the facilities of the quick deliveries of mails in large towns and cities. And it was introduced, yeah, you can say they have been introduced recently. चीजें जो है recently introduced कराई गई थी. आज से दो साल पहले ये question आया था, one marks question था आपका कि what are the different mail channels introduced recently to facilitate the quick delivery of mails in large towns and cities. अब उस वक्त उनको ये चैनल से नहीं पता था कि कितने चैनल्स थे और कौन कौन से थे. तो दे आर सिक्स इन नंबर्स. द फर्स्ट वन इज राजधानी, द सेकंड वन इज मेट्रो, द नेक्स्ट वन इज ग्रीन, द नेक्स्ट वन इज बिजनेस, नेक्स्ट वन इज बल्क मेल चैनल एंड द लास्ट वन इज द पीरियोडिकल चैनल. दीज आर द सिक्स मेल चैनल्स टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ द क्विक डिलीवरी ऑफ मेल्स इन लार्ज टाउन्स एंड सिटीज. एंड इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर वन मार्क्स, राइट. Now let's think about the other factors about it. If we think about the telecom network, India has the largest telecom network in Asia also. Asia ke andar largest telecom network ki baat karenge. Student hum baat karenge telephone facilities ki. Student aaj ke bare mein mat sochiye. Aap sochiye ki aaj se 20 saal pehle ya aap sochiye ki aaj se 25 years before. Aap us time ki facility ki baat karenge. हम आज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं बल्कि हम आज से 20 साल पहले की बात कर रहे हैं. उस वक्त की सिचुएशन को आप अपने माइंड में फिक्स कीजिए और उसके बाद सोचिए कि किस प्रकार की सिचुएशन थी. सो इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम नेटवर्क इन एशिया एंड गवर्नमेंट हैज मेड स्पेशल प्रोविजन टू एक्सटेंड 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटीज टू एवरी विलेज इन द कंट्री. मींस एसटीडी जो फैसिलिटीज थी, ठीक है, थी 24 आवर्स की हर एक गांव में प्रोवाइड करने का गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोविजन किया गया था और जो एसटीडी के रेट थे वो पूरे देश के अंदर यूनिफॉर्म कर दिए गए, एक कर दिए गए. एंड इट हैज बीन मेड पॉसिबल बाय इंटीग्रेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द इन स्पेस टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. केवल इसकी वजह से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी. स्टूडेंट मैं बात आज की नहीं कर रहा हूँ, आज हर एक घर के अंदर एक टेलीफोन है और ऐसा भी कह सकते हैं कि घर के अंदर मेंबर तो थ्री है बट ऐसा हो सकता है कि मोबाइल वहां पर चार या पांच है, ऐसा भी हो सकता है. मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 20 इयर्स बैक, मतलब 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ. जिस वक्त अगर हम मोबाइल फोन की बात करते हैं तो रेयरली किसी के पास होता था और इवन लैंडलाइन फोन हुआ करते थे कि एक पूरे एरिया के अंदर कोई एक. तो इसीलिए गांव के अंदर क्या किया, विलेजेस के अंदर 24 आवर्स एसटीडी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई ताकि हम कम्युनिकेशन को मेंटेन कर सकें, ठीक है. और ये किस वजह से हुआ, ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट. नाउ लेट्स थिंक अबाउट द मास कम्युनिकेशन. अगर मैं मास कम्युनिकेशन की बात करता हूँ, इट प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट, इट क्रिएट्स अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट डिफरेंट नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज. मास कम्युनिकेशन है, हम उसका यूज कैसे करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, इसके अलावा अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए, जो डिफरेंट नेशनल प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं, या कह सकते हो कोई भी डिफरेंट किसी भी प्रकार की जानकारी देनी होती है तो मास कम्युनिकेशन फैसिलिटी का यूज किया जाता है. जैसे कि COVID-19 इस वक्त एक बहुत बड़ी डिजास्टर या पेंडेमिक है, या कह सकते हो बहुत बड़ी हमारे सामने एक बहुत बड़ी एपिडेमिक है, तो उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने का काम जो गवर्नमेंट कर रही है वो किसके माध्यम से कर रही है, it is used by the mass communication. And what are the mass communication? It includes radio, television, newspapers, magazine, books and films. These are the things which are considered the mass communication things. Old India Radio, that is called Akashvani, it broadcast a variety of programs in national, regional and local languages ताकि हर एक व्यक्ति इनका use कर सके, हर एक व्यक्ति इनके बारे में सुन सके, ठीक है. ये था आपका रेडियो सिस्टम. क्लियर स्टूडेंट्स. दूरदर्शन की बात कर लेते हैं जो कि हमारा नेशनल टेलीविजन चैनल माना जाता है. इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल नेटवर्क इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर लार्जेस्ट टेरिस्ट्रियल नेटवर्क माना जाता है, चैनल माना जाता है. इट ब्रॉडकास्ट अ वैरायटी ऑफ प्रोग्राम्स फॉर एंटरटेनमेंट,
फॉर एजुकेशनल पर्पज, फॉर स्पोर्ट पर्पज, हर एक प्रकार के, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप क्यों ना हो, हर एक प्रकार के जो प्रोग्राम्स हैं वो दूरदर्शन जो नेशनल हमारा टेलीविजन चैनल माना जाता है इसके अंदर ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं और प्रोवाइड किए जाते हैं। और स्टूडेंट मैं आपको बता देता हूँ, हम सब क्या करते हैं, हम सब ने आज के टाइम में घर के अंदर किसी न किसी प्रकार की, आप कह सकते हो केबल या डिफरेंट टाइप के डिश टीवी या इस प्रकार के डिश यूज की गई है, तो हम दूरदर्शन को भूल चुके थे। पर जब कोविड 19 का लॉकडाउन सिचुएशन आया और उस वक्त रामायणा चली, तो उस सिचुएशन के अंदर इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला जो चैनल बन गया वो दूरदर्शन बन गया था। वो उस टाइम में दूरदर्शन बन गया था लेटेस्ट फॉर्म में। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा फीचर फिल्म जो प्रोड्यूस होती है वो इंडिया के अंदर होती है। ये विभिन्न प्रकार की जो फीचर फिल्म है वो प्रोड्यूस करता है, जैसे कि शॉर्ट फिल्म्स या वीडियो फीचर फिल्म्स या शॉर्ट वीडियो फीचर फिल्म्स, ये सब करता है। स्टूडेंट जब कभी भी कोई मूवी आती है उससे पहले अगर आप देखें एक सर्टिफिकेट आता है। वो सर्टिफिकेट क्या होता है, वो सर्टिफिकेट ये बात सर्टिफाई करता है कि ये मूवी पब्लिश करनी है, सॉरी आप कह सकते हो दिखानी है या नहीं दिखानी है। एंड इट इज डन, इसके बारे में जो अथॉरिटी है वो होती है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द फिल्म सर्टिफिकेशन। आप कभी देखना कि जब भी कभी कोई मूवी देखोगे तो सबसे पहले आपके सामने एक सर्टिफिकेट आता है और उस सर्टिफिकेट के ऊपर सबसे ऊपर पहले लिखा होता है द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन एंड इट इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडियन एंड फॉरेन फिल्म्स व्हिच इज ब्रॉडकास्टेड इन इंडिया। जो इंडिया के अंदर ब्रॉडकास्ट करनी है, इंडिया के अंदर शो करनी है, दिखानी है, वो इसके सर्टिफिकेशन के बाद ही वो शो होती है। एक कारण है कि बहुत सारी जो मूवीज होती है वो नहीं दिखाई जाती, राइट। So this is the communication. Now we will discuss about the international trade. Now students, you know about the what is a trade. Trade hota kya hai? Means exchange of goods from one person to another, that is called trade. And you can say the exchange of goods among people. You can say one person to another person. You can say one state to another state. And you can say the one country to another country. It is referred as a trade. When this trade is between two countries, it is called international trade. जब ये ट्रेड दो कंट्रीज के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड एंड इट इज कंसीडर्ड एज द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ अ कंट्री। यू कैन से व्हिच कंट्री इज डेवलप्ड एंड नॉट, ये उस चीज का बैरोमीटर माना जाता है। एंड क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर वन मार्क्स आएगा कि व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स, सो एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, दीज आर टू कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रेड। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही होगा कि व्हाट इज ट्रेड, तो ट्रेड होता है द एक्सचेंज ऑफ गुड्स among people, state and countries, it is called trade. And the second one, what is international trade? When the trade is done between two countries, it is called international trade. And जो international trade है वो किसी भी देश की economical development को barometer माना जाता है, वो show करता है कि this country is developed or not. और इसके जो two component है, that is export and import, ये इसके दो main component माने जाते हैं। Student, हमारे सामने यहाँ पर एक चीज आती है, what do you think about the balance of trade of a country? And it is determined by the difference between its export and import thing. किसी भी देश के ट्रेड का बैलेंस, उसके दो जो कंपोनेंट है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, उनका बैलेंस क्या है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीड देन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, इट इज कॉल्ड फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। जब आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट कम किया, उस सिचुएशन के अंदर जो बैलेंस बनता है वो आपका फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाता है। बट ऑन द अदर हैंड, इफ द वैल्यू ऑफ द इंपोर्ट एक्सीड्स देन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट, इट इज कंसीडर्ड द अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। मीन्स जिस वक्त आपने एक्सपोर्ट ज्यादा किया और इंपोर्ट कम किया, इट मीन्स आपका प्रॉफिट ज्यादा हुआ, ये आपका फेवरेबल बैलेंस है ट्रेड का। और अगर आपने इंपोर्ट ज्यादा कर लिया और एक्सपोर्ट कम किया, वो आपका अनफेवरेबल बैलेंस माना जाएगा। तो ये दीज आर द मेथड जिसके माध्यम से हम किसी भी देश के ट्रेड का बैलेंस मेजर करते हैं, राइट। कमोडिटीज एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज इंक्लूड्स जेम्स, ज्वेलरीज, यू कैन से केमिकल्स एंड सम अदर रिलेटेड प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एंड सम अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट, ये सारे के सारे चीजें जो है हम दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया के एक्सपोर्ट की अगर मैं बात करता हूँ, एक्सपोर्ट आज ही से नहीं, पुराने समय से हम एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट है वो सिल्क रूट के माध्यम से दूसरे देश में जाया करते थे, राइट।
The commodities imported to India are, you can say it is petroleum, crude and petroleum, crude oil and other product, gems, jewelry. I think so this point is I think a little bit wrong. So some are wrong and you can say some are correct, because some chemicals are also imported also. Some base metals are imported also, electronic goods, machines and some agriculture product also imported in India. Little bit differences are there, right? Now tourism as a trade, we will discuss at the last point of the chapter. अगर मैं टूरिज्म की बात करता हूँ, इंडिया के सामने आने वाले टाइम में यू कैन से आपका भी जो इंडस्ट्री है सबसे ब्राइट फ्यूचर जो है वो आपका टूरिज्म सेक्टर में है. इंडिया में दुनिया भर के आपके साथ लॉट ऑफ टूरिज्म फैसिलिटीज जहाँ पर विभिन्न प्रकार के टूरिज्म परस्पेक्टिव के माध्यम से आते हैं. सो फॉरेन टूरिस्ट अराइवल इन द कंट्री विटनेस्ड एन इंक्रीज ऑफ 11.8% ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 2010 एज अगेंस्ट द ईयर ऑफ 2009. जो कंट्रीब्यूट करते हैं 64.89 करोड़ फॉरेन एक्सचेंज इन 2010, मींस 11.8% ज्यादा आए हैं 2010 के अंदर 2009 की अपेक्षा. इसका मतलब क्या है, फॉरेन एक्सचेंज अर्न करने का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है ये. नियर अबाउट मोर देन 15 मिलियन पीपल्स जो है वो डायरेक्टली इस टूरिज्म इंडस्ट्री के अंदर जॉब करते हैं, मींस उनको जॉब मिली है जो कि गाइड के रूप में, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के रूप में या अदर किसी भी प्रकार का काम जो करते हैं वो केवल इसी इंडस्ट्री के अंदर डायरेक्टली काम करते हैं. टूरिज्म आल्सो प्रमोट, अब इसका बेनिफिट क्या है, इट प्रमोट्स नेशनल इंटीग्रेशन. इसके अलावा इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू द लोकल हैंडीक्राफ्ट एंड कल्चरल परस्यूट आल्सो. मींस जो लोकल थिंग्स हम परचेज करना पसंद नहीं करते, दूसरे देश के जो विजिटर्स हमारे देश में आते हैं वो उनको परचेज करके लेके जाते हैं. इसकी वजह से हमारा लोकल हैंडीक्राफ्ट जो है वो अपग्रेड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और कल्चरल इंटीग्रेशन को बेनिफिट मिलता है, नेशनल इंटीग्रेशन को ये प्रमोट करता है. आल्सो हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज. ये हमारे कल्चर और हेरिटेज के को बढ़ावा देता है और इंटरनेशनल मैनर पर उसकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देता है. फॉरेन टूरिस्ट दे विजिट इन इंडिया फॉर डिफरेंट पर्पस, सम फॉर हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, कल्चरल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म, द लॉट ऑफ मेथड्स जिनके माध्यम से ये फॉरेन टूरिस्ट हमारे इंडिया में जिस वजह से विजिट करने के लिए आते हैं, राइट? नाउ स्टूडेंट्स द चैप्टर इज ओवर, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम इंपॉर्टेंट मैप्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल एंड द नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर. नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सम इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स. ये बार बार आपके पास क्वेश्चन आते हैं. सो अमृतसर के अंदर जो आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दैट इज कॉल्ड राजा सांसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली दैट इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड इन दिस वे द मुंबई इट इज द छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड चेन्नई मीनम बक्कम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, राजीव गांधी जो एयरपोर्ट है दैट इज इन हैदराबाद, एंड नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दैट इज इन कोलकाता. दिस आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बार बार क्वेश्चन बार बार मैप के रूप में पूछे जाते हैं. Now we'll discuss about the Indian port, जो हमारी पोर्ट थी जिसके बारे में बात करते हैं वो था. सबसे पहले हमने कांगड़ा एयरपोर्ट के बारे में बात किया था जो गुजरात के अंदर थी, सॉरी पोर्ट, एयरपोर्ट पोर्ट शी पोर्ट जो थी कांगड़ा पोर्ट जो कि कराची जो कि पाकिस्तान में चला गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो कांगड़ा पोर्ट ये है, मीन्स आप देख सकते हो गुजरात के अंदर. मुंबई अगेन यू कैन से मारमुगोवा, और मुंबई से थोड़ा लिटल बिट नीचे ही जवाहरलाल नेहरू है, थोड़ा सा लिटल बिट नीचे करते ही जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट है. गोवा दैट इज मारमुगोवा इन कर्नाटका, न्यू मैंगलोर, कोची इन केरला, टूटीकोरिन इन तमिलनाडु, इन तमिलनाडु चेन्नई आल्सो, विशाखापट्टनम यू कैन से आंध्र प्रदेश, पारादीप इट इज